Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear viewers. Meet karti hu aap sab khairiyat se honge. Main aapki bio ki teacher, ma'am Razan Sajjad, aap se mukhatib hu. Last video mein humne apna topic complete kiya tha homeostasis in plants. Next topic jo aaj humne padhna hai, wo hai homeostasis in humans. Jaisa ki plants mein waste material ki production ho rahi thi, isi tarah humans mein bhi सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस होने की वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं. उन मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए हाईली डेवलप्ड सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं और वो सिस्टम जो है वो होम्योस्टेसिस में हमारी मदद करते हैं. और वो डिफरेंट सिस्टम्स जीन ऑर्गन्स के थ्रू बनते हैं. उनमें नंबर वन ऑर्गन है लंग्स. लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. स्किन, स्किन हमारी बॉडी के अंदर हमारे बॉडी टेम्परेचर को या थर्मो रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. और इसी तरह से किडनी हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी किडनी हमारी एस्क्रेटरी सिस्टम में हेल्पफुल होती हैं. एस्क्रेटरी सिस्टम का मतलब है कि हमारी बॉडी के जितने भी सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट के तौर पर मेटाबोलाइट्स या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, सबको बॉडी से फिल्टर करके बाहर निकालने का, रिमूव करने का काम जो है वो किडनी करते हैं. तो यहाँ पर इन तीनों ऑर्गन्स का काम और इनकी जो इंफॉर्मेशन या डिटेल्स हम वन बाई वन इस वीडियो में पढ़ेंगे. और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपके आ जाता है कि राइट डिफाइन स्किन एंड आल्सो राइट द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्किन, आल्सो राइट एंड राइट इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन बॉडी लंग्स, तो ये सारे आपको डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी पूछा जा सकते हैं क्वेश्चन, और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है. तो नेक्स्ट हम वन बाय वन इन ऑर्गन्स का जिक्र करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले आ जाता है स्किन. स्किन जो हमारी बॉडी की वो टू लेयर्स की बनी होती है. पहली लेयर का नाम है एपिडर्मिस, सेकंड लेयर का नाम है डर्मिस. एपिडर्मिस जो है वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं. और जबकि डर्मिस जो है वो हमारी सेकेंड लेयर है और इनर लेयर है, और इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी होती हैं, और इसमें स्वेट ग्लैंड्स भी होती हैं जो पसीना प्रोड्यूस करती हैं, और ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, हेयर्स होती हैं एंड आल्सो द फैट सेल्स, और फैट सेल्स भी डर्मिस में मौजूद होती हैं. ये सारी चीज़ें मिलकर डर्मिस बनाती हैं. तो आप जरा रोल फंक्शंस पढ़ती हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्किन. नंबर वन फंक्शन हमारी स्किन का क्या है, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर है. हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे ये रेगुलेट करती है, हमारी बॉडी की जो हेयर्स ऊपर स्किन पे मौजूद होते हैं उनके नीचे कुछ स्मॉल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और जब वो मसल्स स्मॉल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो गूस बम्प्स बनते हैं, और ये गूस बम्प्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर, ये बना देते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर 11.5 में आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है. और यही जो डर्मिस है इसमें फैट सेल्स की तीन लेयर भी मौजूद होती है जो हमारी बॉडी को इंसुलेट्स करने में मदद करती है. नेक्स्ट आ जाते हैं स्किन का सेकंड फंक्शन, वो है प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट. जब हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी से एक्सेसिव वाटर और कुछ हीट रिमूव होती है, और उसके तौर पर हमें कूलिंग इफेक्ट का एहसास हमारी हमें महसूस होता है, और इसलिए हम कहते हैं कि स्किन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट थ्रू वेपोरेशन. मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज वाटर, एक्सेसिव वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड आल्सो रिमूव्ड बाय द वेपोरेशन ऑफ द स्वेट. ठीक हो गया. सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हमारा सेकंड ऑर्गन लंग्स. लंग्स भी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बीइंग्स. नंबर वन जो रोल है हमारे लंग्स का वो है गैसियस एक्सचेंज करना.
हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन के तौर पर हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो उनमें नंबर वन है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारे सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यू फ्लूइड से हमारे ब्लड में मूव हो जाती है, और जब वो ब्लड में चली जाती है तो ब्लड जब सर्कुलेट करता हुआ लंग्स में आता है तो वहाँ पर एल्वियोलाई हमारी गैसियस एक्सचेंज साइट्स है, वहाँ पर वो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एल्वियोलाई में मौजूद ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर के साथ एक्सचेंज कर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर थी उसमें चली जाती है, और वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में शिफ्ट हो जाती है, और इस तरह से हमारा ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जो कि आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 9 में उसकी सारी डिटेल्स आपको मैंने पढ़ाई थी। वही सारा सिस्टम जो है यानी डीऑक्सीजनेटरी ब्लड को ऑक्सीजनेटरी ब्लड में कन्वर्ट करने वाला काम जो है वो लंग्स करते हैं, और इस तरह से हमारे ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और हमारा ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है। थर्ड नंबर पे जो ऑर्गन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है किडनी। किडनी जो है प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द होम्योस्टेसिस। तो किडनी के हवाले से जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है, किडनी फिल्टर करता है वाटर को, साल्ट को, यूरिया को, यूरिक एसिड को फ्रॉम द ब्लड एंड फ्रॉम यूरिन। यानी पहला काम किडनी क्या कर रहा है, यूरिन फॉर्मेशन। सेकंड रोल है किडनी हेल्प्स इन द ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट इन ब्लड, तो वो काम भी कौन कर रहा है, किडनी। आफ्टर removing the extra salt and extra water from the blood. And third role है जो किडनी प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी में वो है मेंटेनेंस ऑफ टू मेंटेन ब्लड एट नॉर्मल pH. नॉर्मल pH वैल्यू जो हमारे ब्लड की है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है, और जब उसमें से सारे मेटाबोलाइट्स रिमूव हो जाते हैं थ्रू किडनी, देन हमारा जो ब्लड पीएच वैल्यू है वो 7.35 से 7.45 के दरमियान में मेंटेन हो जाती है, और इस तरह से हमारे बॉडी में किडनी जो है वो हमारी ब्लड की पीएच वैल्यू को नॉर्मलाइज करने में या रेगुलेट करने में प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक हमारा द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। यूरिनरी सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी, आपकी फर्स्ट लाइन देखें, the excretory system of humans is also called the urinary system. हमारे excretory system ही को हम urinary system कहते हैं, और ये जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो है four things: one pair of kidneys, second is the pair of ureters, number third is the urinary bladder, and number fourth is the urethra. तो number one हम diagram में देखते हैं अपना first जो हमारे ऑर्गन्स थे वो थे पेयर ऑफ किडनी, ये वन एंड टू वन पेयर ऑफ किडनी है, एक राइट किडनी सेकेंड और लेफ्ट किडनी। राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और यूरिन की फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी वही जो ब्लड का फिल्ट्रेट ब्लड था फिल्टर्ड मटीरियल उसी को हम यूरिन कह रहे हैं। जब ये यूरिन किडनी से हमारे यूरिनरी ब्लैडर जो कि थर्ड ऑर्गन था उस तक आएगा तो दरमियान में ये यूरिटर्स मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्यूब लाइक यूरिटर्स प्रेजेंट है, और दीज ट्यूब्स का फंक्शन क्या है, कैरी यूरिन या फिल्ट्रेट मटीरियल फ्रॉम किडनी से कैरी करती हैं टू फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है इज थर्ड ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। यहाँ पर आकर यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर्स यूरिन अंटिल इट रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी। यहाँ पर कुछ थोड़ी देर के लिए आर्जी वक्त के लिए या आर्जी मुद्दत के लिए यहाँ पर इस यूरिनरी यूरिन को स्टोर किया जाता है, और देन थर्ड फोर्थ पार्ट इज द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन from urinary bladder to the outside of the body. और ये वाला organ जो है urethra, ये urinary bladder से urine को हमारी body से बाहर remove करने में मददगार होता है, और इस तरह से हमारी body से
जैसे यूरिन हमारी बॉडी से रिमूव्ड हो जाता है, तो उसके साथ हमारी बॉडी से तमाम एक्सेसिव मेटाबोलाइट्स जिनमें था सॉल्ट, एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अदर एक्सेसिव मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, देन दिस सिस्टम इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द होमियोस्टेसिस। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से याद भी करना है आपने साइड बाई साइड, और मुझे दोनों में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।